वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो मध्य प्रदेश में पिछली बार 2017 में पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो जनरल हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। अगर आप मध्य प्रदेश में आने वाली वैकेंसी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हें देख कर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे और साथ ही आगे क्या पूछे जा सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2017 चैप्टर 2 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, टावर का उच्चारण किया जाता है मूर्धन्य में, ठीक है। नेक्स्ट, ता था धा धा ना का उच्चारण दंत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शा शा शाह कौन से व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं ये। यदि दो पंचमाक्षर एक साथ आए तो स्वर रहित अनुस्वर नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, तो इसमें केवल है जो कि निपात होता है। मेघ का पर्यायवाची निर्णय से कौन सा है, तो मेघ का वारिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पार देखा जा सके के लिए एक शब्द कौन सा है, पारदर्शी। वानुदय का संधि विच्छेद भानु धन उदय होता है। निर्जल का संधि विच्छेद निर्णय से कौन सा है, तो निजन जल है जो कि विसर्ग संधि है। भोगी का विलोम शब्द निर्णय से कौन सा है होता है, तो योगी होता है इसका विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकप्रत्यय से बना शब्द निर्णय से कौन सा है, तो गा धन अक गायक। यथाशक्ति शब्द में निम्न से कौन सा समास है, तो इसमें अव्ययी वाप समास है, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। सिर पीटना मुहावरे का अर्थ निम्न से कौन सा है, तो शोक करना होता है। वरिष्ठ का शुद्ध रूप निम्न से कौन सा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं वरिष्ठ। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो इसमें वीर रस दिया हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार होता है। तद्रित व्रत वाली पंक्ति का चयन करें, तो मेरा चचेरा सुनार मालिन है पंक्ति है, इसके लिए उपयुक्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में दी गई पंक्तियों में से यमक अलंकार की उदाहरण को चिन्हित कीजिए। तेरी वर्षी ने वीर वर्षी ने खनन की, यह यमक अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट, उपकार अपकार परस्पर क्या है, विपरीतार्थी है उल्टी। नेक्स्ट और लास्ट, प्रकाश में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, तो इसमें प्र इसका उपसर्ग है, ठीक है दोस्तों। तो है 20 क्वेश्चन जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।